जैसे स्प्रिंग को दबाने पे वो और ज्यादा फोर्स से रिबाउंड करता है, वैसे ही जिंदगी बहुत बार हमें दबाने की कोशिश करती है ताकि हम और ज्यादा ऊंची छलांग मार सके। इससे जीत और भी मीठी हो जाती है। हरप्रीत बरार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हरप्रीत 23 साल के थे तो उनके पास दो ऑप्शन था, या तो पापा के साथ पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले या स्टूडेंट वीजा पे कनाडा अपनी दीदी के पास चले जाए। छोटे शहरों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। हरप्रीत बरार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हरप्रीत का जन्म 15 सितंबर 1995 को पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। जब आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, आप पे हमेशा सेटल होने का प्रेशर रहता है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जहां आकाशदीप सिंह के बारे में मैंने बात करी थी कि घर वाले चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर एक नौकरी कर ले। अगर आप उतने पैसे नहीं ला पा रहे हो जिससे आपका घर चल सके तो समाज और रिश्तेदार सवाल करते हैं, लड़का आपका क्या कर रहा है। हरप्रीत की लाइफ कोई अलग नहीं थी, इनफैक्ट हालत तो और बुरी थी, क्योंकि हरप्रीत को क्रिकेटर बनने का मन था लेकिन उनके कजन्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। तो अब आप समझ सकते हैं कि आलम क्या होगा। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, इंडिया में काफी क्रिकेटर्स बनने का सपना देखते हैं, बनना आसान नहीं है। हरप्रीत को भी इस सब से गुजरना पड़ा। कभी कभी तो इन वजहों से हरप्रीत सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करते थे, लेकिन ये कमेंट्स ही उन्हें मोटिवेट करती थी टू अचीव बेटर, टू प्रूव देम रॉन्ग। हालांकि ऐसा नहीं था कि हरप्रीत के पास दुनिया को दिखाने के लिए रिकॉर्ड्स नहीं थे, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन बात कुछ भी हो, हरप्रीत के पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते थे। हरप्रीत के पिता मोहिंदर सिंह जी आर्मी के साथ थे। पंजाब वापिस आने पर उन्होंने पुलिस फोर्स में ड्राइवर की नौकरी कर ली। इसका मतलब ये था कि मोहिंदर जी ज्यादा वक्त घर से बाहर रहते थे, उनकी माँ ही फैमिली का ख्याल रखती थी। बचपन में हरप्रीत ने क्रिकेट कोचिंग की एडवर्टाइजमेंट देखी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मुझे भी क्रिकेट खेलना है। उनकी माँ ने कहा, अगर पूरी दिल से खेलोगे तभी क्रिकेट को चुनना। हरप्रीत ने वैसा ही किया। हरप्रीत ने जीरकपुर में मिस्टर संजीव शर्मा के अंडर कोचिंग शुरू कर दी। उन्हें बैट्समैन बनने का मन था लेकिन वो कभी कभी बॉलिंग भी करते थे। उनकी बॉलिंग देख संजीव सर ने कहा, तुम एक रेगुलर स्पिनर बन सकते हो। उन्होंने हरप्रीत को चंडीगढ़ एक्स रणजी स्पिनर भारती विज के पास भेज दिया। हरप्रीत ने बॉलिंग पे काम करना शुरू किया। 15 साल की उम्र में हरप्रीत ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में रोपर के लिए अपना डेब्यू किया। उस सीजन में उन्होंने 4 मैचों में 12 विकेट्स लिए और 250 रन भी बनाया। दूसरे सीजन में उन्होंने 23 विकेट लिया। 2010-11 इंटर डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ने उन्हें विजय मर्चेंट ट्रॉफी के टीम में शामिल करवा दिया। 2013 का परफॉर्मेंस भी शानदार था। कैटॉस शील्ड ट्रॉफी के 5 मैच में 42 विकेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस में 33 विकेट। साल दर साल उनका परफॉर्मेंस और भी निखरता गया। 2014 में कैटॉस शील्ड ट्रॉफी में उन्होंने 41 विकेट झटके। एक मैच में तो उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में पूरा 10 विकेट झटक लिया, जिसके पहले इनिंग में 5 विकेट उन्होंने लिया था। बैटिंग में भी उनका परफॉर्मेंस ऐसे ही निखरता गया। क्लब क्रिकेट कंपटीशन के मैच में उन्होंने 1 ओवर में 5 छक्के मारे, अपने आइडल युवराज सिंह के रिकॉर्ड तोड़ने से 1 छक्का पीछे रह गए। लेकिन इतने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बाद भी उनका स्टेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, और बुरा होने के लिए उनकी टीम भी कॉम्पिटिशन से बाहर हो गई। हरप्रीत के पास उस वक्त 2 ऑप्शन थे, या तो पापा के साथ पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले या स्टूडेंट वीजा पे कनाडा अपनी दीदी के पास चले जाए। उन्होंने तीसरा ऑप्शन चूज किया। ऊपर वाला आपको अगर परेशानी देता है तो रास्ता भी वही दिखाता है। पता नहीं कहां से गुरकीरत सिंह मान का हरप्रीत को कॉल आया। मान ने कहा, मोहाली के लिए खेलोगे। इस कॉल ने हरप्रीत की जिंदगी बदल दी। हरप्रीत ने ऑफर एक्सेप्ट किया और 2 मैचों में 9 विकेट लिए। इस परफॉर्मेंस की मदद से अंडर 23 टीम में हरप्रीत का सिलेक्शन हुआ और सीके नायडू ट्रॉफी के 11 मैचों में 56 विकेट झटके। बेस्ट फिगर 23 रन देकर 7 विकेट था। उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो एक बैट भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्ट्रिंग्स से बैट को रिपेयर करके वो बैटिंग करते थे। मान ने उन्हें एक नया बैट गिफ्ट किया और उस टूर्नामेंट में उन्होंने लगभग 300 रन बनाए। इस लाजवाब परफॉर्मेंस की मदद से उनको आईपीएल में मौका मिला। 2019 में पंजाब किंग्स ने उन्हें 20 लाख में खरीद लिया
और स्टेट के लिस्ट ए और T20 में भी उनका सिलेक्शन हो गया। 2019 IPL में दो और 2020 IPL में एक मैच हरप्रीत ने खेला, तीनों में वो विकेटलेस थे। 2021 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 7 विकेट झटके विथ एन इकोनॉमी ऑफ 5.70 रन्स पर ओवर। जब IPL 2021 में पंजाब के प्लेइंग 11 में वो चुने गए तब वो सबसे कमजोर कड़ी लग रहे थे, ऐसा ही विराट कोहली ने भी सोचा और एक छक्के के साथ हरप्रीत का स्वागत किया। लेकिन हरप्रीत जानते थे कि ये रात उनके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट रात है और उन्हें इस मौके को ग्रैब करना है। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने विराट कोहली और मैक्सवेल को एक ही ओवर में आउट कर दिया, फिर AB डिविलियर्स को आउट किया। 10 बॉल में 3 महान इंटरनेशनल बैट्समैन को उन्होंने आउट कर दिया। उस मैच में उन्होंने 3 विकेट झटके और बल्ले से 25 रन भी बनाया और मैन ऑफ द मैच बन गए। कारवां यूं ही चलता रहा। तो ये थी कहानी हरप्रीत बरार की, जहां एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी उन्होंने सपना छोटा नहीं देखा और जो सपना देखा उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत किया। IPL 2021 के सेकेंड हाफ में हरप्रीत का ऐसा ही शानदार प्रदर्शन रहे और जल्द ही वो इंडियन टीम में अपनी जगह बना ले, इसकी हम लोग प्रे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।